नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप डिजिटल मार्केटिंग मेड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्यों आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना के उसमें ऐड बनाने चाहिए। आप ऐड अपने पर्सनल अकाउंट से भी बना सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना है और उसके थ्रू आपको अपनी ऐड क्रिएट करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको business.facebook.com पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप सबसे पहले अपने बिजनेस या अपने अकाउंट का नेम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी बिजनेस का ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मैंशन करना है और जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी हमने DDM अकाउंट क्रिएट किया है वो क्रिएट हो गया है और जो हमने ईमेल आईडी मेंशन किया था उस पर एक लिंक गया है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है ताकि इस पूरे अकाउंट को आपको फुल एक्सेस मिले। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डन करना है। आपको इस बिजनेस अकाउंट को जब यूज करना, सबसे पहले आपको इसको वेरीफाई करना होगा जिस ईमेल आईडी को आपने मेंशन किया है। तो मैंने उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को अभी लॉगिन कर लिया है। सोशल में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मुझे मेल आया है notification@facebookmail.com से। तो मुझे यहाँ कन्फर्म नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने अपने ईमेल को वेरीफाई किया, आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन था वही अब नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DDM जो हमारे फेसबुक बिजनेस मैनेजर का नेम है, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है यूजर्स का। तो अब एक बार बात करते हैं कि आपको क्यों फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना चाहिए, क्यों नहीं आपको अपने पर्सनल एड अकाउंट को यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज्यादा एड अकाउंट को यूज करें, एड अकाउंट में जाके आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा एड अकाउंट को यूज करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होगा। आपके पास एक टीम है, वो टीम में जो डिफरेंट आपके पास एम्प्लॉयज हैं उनका डिफरेंट रोल है, तो उनको रोल आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू दे सकते हैं। आप एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल फेसबुक पेजेस को ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जो आपके अकाउंट है उनको ऐड कर सकते हैं, और आपको जो डिटेल इनसाइट मिलती है, रिपोर्टिंग मिलती है, वो भी अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं पर्सनल अकाउंट से, तो बिजनेस मैनेजर में आपको वो अच्छी रिपोर्टिंग मिलती है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर से जब आप ऐड करते हैं तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को सेपरेट रख सकते हैं अपने बिजनेस प्रोफाइल से। अगर आप डिसाइड करते हैं जो आपके पेजेस हैं उनकी ऐड आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कराना चाहते हैं, तो तब भी अगर आपके पास एक बिजनेस मैनेजर है तो आप एक रोल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे सकते हैं जिसके थ्रू उनसे आप ऐड करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे पीपल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें एक और यूजर को ऐड करना, तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप एक जो डिफरेंट एक्सेस देना चाहते हैं, एम्प्लॉय एक्सेस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं चेकड है। अगर आप एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एडमिन एक्सेस को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं कि आप जो आपकी फाइनेंस एनालिस्ट है वो भी देना चाहते हैं या फाइनेंस एडिटर की भी आप एक परमिशन देना चाहते हैं। उसके बाद आप जब ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करते हैं तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो जो भी ईमेल आईडी को जो भी आपने परमिशन दी है उसके बाद उस पर्टिकुलर यूजर को एक ईमेल जाता है। जैसे वो एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद जो आपका ये बिजनेस मैनेजर है उसमें इसके सेट रोल होते हैं, उसी रोल के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने जैसे किसी भी यूजर को जब ऐड करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अभी हमने कोई पेज ऐड नहीं किया या हमने कोई ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अगर हमने यहाँ पे पेजेस ऐड किए होते तो हमें यहाँ पे किस पेज में हमें परमिशन देनी है या नहीं देनी है उसका ऑप्शन मिलता और आपको बाद में इनवाइट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन चला गया, आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी पेंडिंग है बिकॉज यूजर को जाके जब इस को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ होता है पेजेस का ऑप्शन, आप मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हैं एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन है जब आप कोई भी पेज ऐड करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाता हूँ, आपको क्लिक करना है। आप जो भी यहाँ पे पेज ऐड करना चाहते हैं उस पर आप एडमिन होने चाहिए तभी आप पेज ऐड कर सकते हैं। आपको अपने पेज का यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है, पेज को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ ऐड पेज पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है वो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट चली गई है, तो जिस आईडी से मैंने पेज को क्रिएट किया है वो उस आईडी पे जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी मैं वहां से एक्सेप्ट करूंगा तब इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर में ये पेज ऐड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह रिक्वेस्ट आती है, ऑनरशिप रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं जो अपने पेज की ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे, या यहाँ से मैं डिक्लाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसको ट्रांसफर करता हूँ और यहाँ से अप्रूव करता हूँ,
जैसे मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट को अप्रूव किया, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फेसबुक का पेज मेरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर से यहाँ पे लिंक हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डिफरेंट पीपल को ऐड कर सकता हूँ। तो आपको अगर फिर से कोई फेसबुक पेज को ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके पास फिर से तीन ऑप्शन होते हैं कि नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, या आप एक्सेस चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ओनर हैं या आप ओनरशिप चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऐड अकाउंट का। आपको एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अगर आप एक ऑलरेडी बने हुए ऐड अकाउंट को क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एक एजेंसी और आपको एक्सेस चाहिए किसी ऐड अकाउंट की ताकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड रन कर पाए, तो आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है। और थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करें। तो उसमें आपको सबसे पहले अपने ऐड अकाउंट का एक नेम देना होता है। आपको यहाँ से टाइम जोन को सिलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एशिया कोलकाता, और आपको यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं कि आपकी जो टारगेट मार्केट है वो US है, तो यहाँ से आप डॉलर को ही सिलेक्ट करने दे सकते हैं। अगर आप इंडिया में ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे INR को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। जो भी मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं मैं उसकी एक्सेस दे सकता हूँ डिफरेंट जो भी यहाँ पे इसमें लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है। तो जिसको मैं देना चाहता हूँ यहाँ से चेक कर सकता हूँ, और कौन सा मुझे एक्सेस देना है वो मैं यहाँ से टिक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी अगर आपने डिफरेंट टीम को ऐड किया हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो किन लोगों को आप किस ऐड अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DDM जो ऐड अकाउंट वो क्रिएट हो गया है। हम बाद में जाके अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं इस अकाउंट में। और अगर आपको एक और ऐड अकाउंट क्रिएट करने एक्सेस चाहिए, तो फिर से आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फिर से ऑप्शन मिलते हैं कि आप एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करें या किसी ऐड अकाउंट का आप एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज फेसबुक बिजनेस मैनेजर से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, आपको कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को मेंशन करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको DDM को सिलेक्ट करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग मीट्स का जो इंस्टा अकाउंट है वो भी ऐड हो गया है। तो डायरेक्टली अब मैं इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। अगर अभी तक मैं रिकैप करूँ, तो आपको मैंने सबसे पहले दिखाया किस तरह आप एक न्यू यूजर को डिफरेंट रोल असाइन कर सकते हैं, आप किस तरह पेजेस को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। उसके बाद आपके पास यहाँ डेटा सोर्स का ऑप्शन होता है कि अगर आपकी कोई सेल्स कैटलॉग्स हैं, पिक्सल है, पिक्सल को आप बाद में जाके भी ऐड कर सकते हैं इवेंट मैनेजर से, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम कन्वर्जन को बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे उसके बाद आपको जो मेन पेमेंट का ऑप्शन है कि जो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया है उसमें यहाँ पे हमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड मेंशन करना होता है ताकि हमारी ऐड स्मूथली रन हो सके। तो यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन होता है कि अपना आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को मेंशन कर सकें। तो इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलिंग कंट्री इंडिया है, करेंसी इंडियन रुपीज़ है, और यहाँ पे आपको अपना कार्ड डिटेल मेंशन करके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा, और जो भी आप कार्ड ऐड करेंगे उसी से आपका जब फेसबुक ऐड रन होंगी तो अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर आपको कोई भी चेंज करना है अपने बिजनेस इन्फो में, तो यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप अपने जो बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपकी बिजनेस मैनेजर की एक यूनिक आईडी होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपके बिजनेस की डिटेल है, जो भी अगर आपका लीगल नेम आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस का एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, वो सब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। आपको यहाँ पे बिजनेस सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट हैं, तो जिसमें पहला ऑप्शन बिजनेस सेटिंग है। अगर आप कुछ भी जाके अपने किसी पेज को चेंज करना चाहते हैं, आप ऐड अकाउंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी आपको ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद जब आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ऐड मैनेजर में जाना है। आप बिलिंग से रिलेटेड कुछ चेक करना चाहते हैं, तो बिलिंग का शॉर्टकट है। आप डिफरेंट ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं या उससे कोई डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑडियंसेस पे जाना है। इवेंट मैनेजर का यहाँ शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप पिक्सल कोड में कुछ डेटा देखना चाहते हैं या कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर का है, अगर आप ई कॉमर्स रिलेटेड कोई यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट पे क्लिक करके सेटिंग में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज बिजनेस। तो जितने भी यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग के ऑप्शन हैं आपको एक लिस्ट फॉर्म में मिले हुए हैं, तो जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, आप एनालिस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एनालिटिक,
एट्रीब्यूशन मॉडल, डिफरेंट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चूज करके अपने बिजनेस मैनेजर में उनको इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया किस तरह आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट यूजर को आप रोल असाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस को किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप ऐड अकाउंट मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर में आना है और आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो भी डिफरेंट फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं और अपनी आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, किस तरह आप कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ वो आपसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल जो अकाउंट उससे ऐड नहीं करनी चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज में आपसे बात करूंगा फेसबुक ऐड आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं।